नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसे कंटेंट रेगुलरली बनाती जाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइडेंस देती रहूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जर्नी का मकसद क्या है, हमको करना क्या है, हमको अपना बेस्ट वर्जन बन के करना क्या है, आखिर है क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा। आपको ये जर्नी इसीलिए दिया है क्योंकि आपके लाइफ का एक पर्पस है। अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पर्पस है क्या, क्या है आपका सोल पर्पस। आप वीडियोस देख रहे हो, हर जगह सुन रहे हो कि आपका एक सोल पर्पस है, आप एक डिवाइन सोल हो, ये आपके बेस्ट वर्जन बनने का जर्नी है। तो आपका सोल पर्पस क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है काफी लोगों का। सोल पर्पस सबका अलग अलग हो सकता है, बहुत लोगों का सेम हो सकता है। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो या फिर एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके भी आप काम कर सकते हो। लेकिन जो भी इस जर्नी में है, जो भी स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी में है, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू सर्व ह्यूमैनिटी। आप एक डिवाइन सोल हो लेकिन काफी वक्त तक आप एक दुनियादारी में फंसे हुए थे, आप इस माया जाल में फंसे हुए थे, आप अपनी नौकरी, बीवी, बच्चे, लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप, करियर, इन्हीं सब में, इन्हीं भूल भुलैया में फंसे हुए थे। आपके जीवन में वो प्रायोरिटी थी एंड सर्विस वॉज सेकेंडरी। आप सोचते थे, आई एम श्योर आप अपने दिल में तो सोचते होंगे कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, लेकिन जब मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, जब मैं सेटल हो जाऊंगी अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, एक बार रिलेशनशिप ठीक हो जाए, एक बार करियर ठीक हो जाए, एक बार हेल्थ ठीक हो जाए, एक बार बैंक बैलेंस ठीक हो जाए, उसके बाद मैं ह्यूमैनिटी पे ध्यान दूंगी, उनको सर्व करूंगी, लोगों की सेवा करूंगी, है ना। आई एम श्योर आप ऐसा सोचते होंगे क्योंकि यू आर फुल ऑफ काइंडनेस। आप एक बहुत ही प्यारी सी सोल हो, आपके अंदर बहुत ही करुणा है, लव है, कंपैशन है, काइंडनेस है। लेकिन आप अपने इस लव, कंपैशन, काइंडनेस, केयर, नर्चरिंग, इन क्वालिटीज को पोस्टपोन किए जा रहे हो क्योंकि आप इतने बिजी हो अपने गोल्स में, अपने एकेडमिक्स में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, कि आप सोचते हो कि यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यू आर ऑलवेज रेडी टू सर्व ह्यूमैनिटी। जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को चेंज कर दो, पूरे सोसाइटी को बदल दो, दुनिया से गरीबी मिटा दो, या बहुत नो कोई एनजीओ खोल दो, इसकी जरूरत नहीं है। यू आर इनफ राइट नाउ एंड यू आर वेरी पावरफुल राइट नाउ। और ये जर्नी आपको यही सिखाती है दैट यू आर इनफ राइट नाउ। आप अभी सक्षम हो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए इन एनी कैपेसिटी। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कुछ करो, कुछ छोटा सा करो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। सेवा, सर्विस इज द फास्टेस्ट वे टू असेंड, इज द फास्टेस्ट वे टू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सेवा इज द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट विद गॉड। सेवा इज द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट विद कृष्णा। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हो, अगर आप अल्लाह को फॉलो करते हो, अगर आप अपने गुरु को फॉलो करते हो, द बेस्ट गुरु दक्षिणा इज सेवा। ठीक है, तो सेवा करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है, सेवा करने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, आपको इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट स्मॉल। ये गलती मैंने भी की थी, मैं भी अपने गोल्स में, अपने दिमाग में, अपने डिजायर्स में इतनी उलझी रहती थी। Though I wanted to do so much for the society, मैं उन सबको postpone करती थी और अपना ध्यान सिर्फ पैसे कैसे कमाते हैं, goals कैसे achieve करें, मेरे followers कितने हैं, fashion, makeup, my looks, relationship, इन्हीं सब में फंसी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब मेरी शुद्धिकरण हो रही है, मुझे कितने सारे opportunities मिल रहे हैं सेवा करने की। मैं अभी स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती हूँ डेली और उससे मुझे इतना अच्छा लगता है। पहले तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी, कोरोना के टाइम पे ना ध्यान दिया, पहले ना ध्यान दिया, नहीं ध्यान देती थी। लेकिन अभी इतना बिजी होने के बावजूद मैं 2-3 डॉग्स को तो खाना खिला ही देती हूँ पर डे। बहुत छोटा सा काम है, वेरी स्मॉल इनिशिएटिव, बट आई एम डूइंग इट एवरी सिंगल डे। और इसको मैं धीरे धीरे और बड़ा करूँगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रहूँगी।
सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट स्मॉल. आप अपने स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रीट कैट्स को, स्ट्रीट एनिमल्स, पिजन्स को, काउस को, उनको आप खाना खिला सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो. आप यू नो नियरेस्ट ओल्ड एज में जाके उन ओल्ड लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. आप ऑर्फिनेज में जाके पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो. आप यूट्यूब के थ्रू सिखा सकते हो. और कभी कभी कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही बहुत कुछ कर सकते हो. अपने कजिन्स को आप सिखा सकते हो, अपने माता पिता की सेवा कर सकते हो, अपनी घर की सेवा कर सकते हो. जब आपके अंदर सेवा की भावना होती है ना, तो यूनिवर्स आपको रास्ते दिखा देते हैं कि कहाँ आपकी ज़रूरत है और आप क्या कर सकते हो. आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप एनवायरनमेंट की सेवा कर सकते हो, आप प्लांटिंग कर सकते हो, ट्रीज प्लांट कर सकते हो. देयर आर सो मेनी वेज. और जब तक आप ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे, सर्विस से कनेक्टेड नहीं रहोगे, तब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे. ये आप लिख लीजिए. सर्विस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी. इसलिए आप सोचिए कि आज भले ही आप ब्रोकन हो, भले ही आपका दिल टूटा हुआ है, भले ही आपके पास पैसे नहीं है, भले ही बहुत कुछ बिखरा पड़ा है आपकी लाइफ में, भले ही आप सोच रहे हो कि यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ दैट यू आर रेडी एंड यू आर इनफ. एंड अभी भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो. मे बी आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो, मे बी आप कुकीज बना सकते हो, केक बना सकते हो, और उन केक को हरी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, उसको प्रसाद बना के लोगों में बांट सकते हो. अभी प्रसाद देने से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब हम यू नो प्रसाद गरीबों को देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि उनका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा हाई हो जाएगा. अभी मैं यू नो अंडर प्रिविलेज लोगों को खिचड़ी सेवा कर रही थी उनके साथ, तो मुझे एक डिस्कशन हो रही थी एक अंकल के साथ, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता कि उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, उनको प्रसाद देके क्या होगा, ये तो ऐसे ही खाते रहेंगे, उनको आदत हो जाएगी. मेरा ये मानना है, जो मैंने सही किया, पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अभी मैंने अपनी सोच को सही किया. आप ऐसे कहीं से खरीद के खाना खिला दोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब आप उस खाने को भगवान के नाम से शुद्धिकरण करोगे, आप हरि का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, श्री कृष्ण का नाम लेके, जीसस क्राइस्ट का नाम लेके, बुद्ध का नाम लेके, गुरु नानक का नाम लेके उसको बनाओगे, उसको प्रसाद बनाओगे, और फिर उसको दूसरों को बांटोगे, उन अंडर प्रिविलेज लोगों को बांटोगे, तो उनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ हाई वाइब्रेशनल फूड. उनकी लाइफ तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनका कर्मा तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा तो ऊपर कर सकते हैं. क्या पता वो प्रसाद खा के उनके लाइफ में कुछ रास्ता निकल आए, उनकी सोच बदल जाए, जैसे हमारी सोच बदली है, जैसे आपकी सोच बदली है. क्योंकि हम इतने लकी हैं कि हमें ये ज्ञान मिला है, हम इतने लकी हैं कि हम मंदिर जा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, हम इतने लकी हैं कि हमारे पास भगवद गीता का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है. बहुत पुण्य कमाने पड़ते हैं तब जाके ये ज्ञान मिलता है. तो इन सब ज्ञानों को हल्के में मत लीजिए. ऐसा होता है कि भगवद गीता आपके सामने रखी होगी, कि कोई आके आपको देके जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, उसका ज्ञान एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे अगर आपका टाइम नहीं आया है तो. लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो भगवद गीता की, रामायण की, महाभारत की, वेदों की, पुराणों की, या एनी होली स्क्रिप्चर, कुरान, बाइबल, कंसिडर योर सेल्फ टू बी वेरी 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 ब्लेस्ड. और इस ब्लेसिंग को आपको दूसरों के साथ शेयर करना है. अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को शेयर करो, अगर आपके पास हीलिंग है तो हीलिंग को शेयर करो. एनीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू गॉड विल सर्व ह्यूमैनिटी. तो जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके पास है, उसको भगवान के साथ कनेक्ट करके उसको दूसरों में बांटोगे, तो आप खुद की भी हीलिंग करोगे और दूसरों की भी हीलिंग करोगे. ठीक है, तो दैट इज़ योर प्राइमरी सोल पर्पस. जब तक आपको वो ग्रैंड सोल पर्पस नहीं पता चले ना, ये छोटे छोटे सोल पर्पस आप करते रहे. नंबर वन सोल पर्पस इज़ टू हील योर सेल्फ एंड टू कनेक्ट विद गॉड एवरी सिंगल डे. अगर आप गॉड के साथ कनेक्ट नहीं रहोगे, आप अगर खुद की हीलिंग नहीं करोगे डेली बेसिस पे, तो आप किसी की भी हीलिंग नहीं कर पाओगे, तो आप कोई सेवा नहीं कर पाओगे. इसीलिए योर नंबर वन सोल पर्पस, योर नंबर वन पर्पस ऑफ लाइफ, योर नंबर वन गोल शुड बी टू स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ एंड विथ गॉड एंड रेज योर वाइब्रेशन. और फिर उस हाई वाइब्रेशन के साथ जो भी आपको आइडियाज आए, चाहे वो एनिमल्स की सेवा करना हो, एनवायरमेंट की सेवा करनी हो, विमेन के लिए कुछ करना हो, चिल्ड्रन के लिए कुछ करना हो, ओल्ड पीपल के लिए कुछ करना हो,
डिसेबल पीपल के लिए कुछ करना हो, जो भी आइडियाज आपको मिले आप उस पे एक्शन लीजिए. टेक इंस्पायर्ड एक्शन. स्मॉल एक्शन इज ऑल दैट मैटर्स. हर एक कदम आपकी जर्नी को आगे बढ़ाता है. तो लेट गो ऑफ ऑल योर लिमिटेशंस एंड सरेंडर टू सर्विस. सर्विस करोगे तो आपकी हीलिंग एकदम फटाफट होगी. ठीक है, आप जितना भी पूजा पाठ कर लो उसमें उतनी शक्ति नहीं है जितनी सेवा में शक्ति है. माला जाप करके, भक्ति करके आप सेवा करेंगे तो आप खुद की भी हीलिंग करोगे और आप अपने एनवायरनमेंट की भी हीलिंग करोगे, आप अपनी फैमिली की भी हीलिंग करोगे, आप अपने एंसेस्टर्स की भी हीलिंग करोगे और आप अपने समाज की भी हीलिंग करोगे. और आपकी बहुत ज़रूरत है इस समाज में. आपके क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, आपके टैलेंट्स की ज़रूरत है, आपकी हीलिंग की ज़रूरत है. आपको ये जर्नी ऐसे नहीं दी गई है. आप में वो ताकत है, आप में वो सक्षम काबिलियत है कि आप समाज के लिए कुछ कर सको. आप कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये जर्नी दी है. ठीक है, सो द नंबर वन सोल पर्पस इज सेवा. तो अभी आप पूछिए अपने आप से कि आप डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं जिससे समाज का कुछ भला हो, आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा. मेक ए लिस्ट ऑफ इट एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको पर्सनल कोचिंग लेनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है. मेरे चार्जेस, मेरी फी, माय ईमेल आईडी इज monishadole@gmail.com. वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव सेशंस लेती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. सो डू कनेक्ट, बट दैट इज़ इन इंग्लिश मीडियम ओनली. यूट्यूब चैनल हिंदी में है और इंस्टाग्राम और फेसबुक इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि मैं बहुत लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ, इन मैसेजेस को पहुंचाना चाहती हूँ. आप भी मेरा सहयोग दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर द कंटेंट, डू शेयर द वीडियोस. अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है, अगर आपको लगे कि ये वीडियोस देख के आपकी किसी फ्रेंड की मदद हो सकती है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये लोगों तक पहुँचे. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिए, इनर वर्क करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश होके बोलिए जय श्री राम.